पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बच्चा कहे जी मन देंगे, नहीं तर नहीं हम दे पाएंगे जी जमा। कह रहा था कि पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बच्चा कहे जी मन देंगे, नहीं तर नहीं हम दे पाएंगे भी जमा। मैं कह कितना भी पैसा लग जाए मैं बच्चा मेरा सही करूँ, मैं पैसा बहुत लगाने का तैयार हूँ, मेरे बच्चा सही कर दो। मैं जे कह रहा था पैसा जमा करना पड़ेगा तुम यहाँ पे, और तुम्हारा बच्चा सही हो ना हो पैसा जाना करेगा जमा करना पड़ेगा बच्चा। तो मैंने कि मेरा था बेटी है मेरी बेटी है। तो मैंने कि पैसा की चिंता ना करो, मेरे पैसा गांव से मंगवाई हूँ, लड़का गया लेने तो मेरा बच्चा सही कर दो, मैं पैसा दूंगी। जेवर बेच के दिया, मेरे कर्जा ले लेके दिया, रिश्तेदार से मंगा के दिया मैंने पैसे, मेरा बच्चा सही होना चाहिए। कि डॉक्टर ने बोला कि अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा बच्चा मैं ठीक नहीं करूँगी तुम्हारा। क्या नाम है भैया? मेरा सतीश नाम है। कहाँ रहते हो? मैं नोएडा रहता हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मेरी बहन वर्दी थी, मौसी की लड़की, ये उसका भाई है। मैं हम बचपन से साथ ही रहते थे पहले से ही, उनके पापा हैं ये। उनको पीलिया हुआ था, तो जिस दिन आए थे ना तो हम यहाँ चला के लाए थे, लड़की ने यहाँ चल के आई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जिस दिन से आए उसके कुछ घंटों बाद या कुछ घंटे बाद बात नहीं हुई हमारी, मुँह में जो भी डाल दिया, वेंटिलेटर में लेटा दिया, कुछ भी, बस यहाँ से सांसें, यहाँ पता लग रहा था सांसें चल रही हैं, बाकी कुछ पता नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ है भी या नहीं। बाकी कह रहे थे कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे हैं नर्सेंगे हैं बहुत सारी, ठीक हो जाएगा चिंता मत करो। यार हमें उसी टाइम पे तो बता देना चाहिए अगर कुछ ऐसी बात हो गई थी। आज क्या हुआ? आज मेरी बहन नहीं रही। मेरी बहन को इन्होंने अभी बताया, अब जब भी ख़त्म हो गई पता नहीं। एक दो दिन पहले हालत कैसी थी? एक दो दिन पहले भी हालत ख़राब थी, पर हमसे बात ही नहीं हुई, उसकी आँख ही नहीं खुली। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इन्होंने बताया क्यों नहीं, अगर कुछ ऐसी बात थी बिलिया में जान जाती है ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, और कुछ हुआ था तो बताना चाहिए कि हाँ। नहीं ज्यादा, दो से तीन दिन समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन दिन। मुझे लगता है कि इन्होंने, और यहाँ पे हाथापाई भी करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे मारने का अधिकार नहीं रहता है। झड़प? हाँ। क्या झड़प? मैंने उससे बोला मैम आपका नाम बता दो, ना उसने नाम बताया, और एकदम से धक्का मार दिया रैपड़ मारने को, इस भाई को, इसको रैपड़ मार दिया। मारने के लिए आ रही थी, मैं जब पीछे को हटा दिया रैपड़ मारने, मैं कौन सा अधिकार है रैपड़ मारने, किसी हॉस्पिटल में कौन सा कानून है रैपड़ मार दोगे आप? वो राकेश नाम है मेरा जी। कौन भर्ती था आपका? लड़की थी सर। क्या हुआ? पीलिया था, बीमार थी सर। ठीक है, हैं? मैं था नहीं यहाँ, मैं दिल्ली में था, मैं एक दिन बाद आया हूँ। ठीक है जी, हैं? इसके बाद जिनने जब भी मतलब कहा कि हमें पैसे चाहिए, मैंने किसी से कर्ज ले लेकर, हैं, अभी सुबह मैंने 40,000 रुपये मंगाए, सुबह दो जगह से, हैं, 30,000 अपने पिताजी से मंगाए, 20,000 एक दिन मंगाए, आपसे बात बताऊँ, ऐसे ऐसे मैंने 1,40,000 रुपये मंगा चुका हूँ। प्रशासन ने बताया था कि आपकी बच्ची की स्थिति गंभीर है? नहीं, इतना नहीं पता, मतलब डेली कहते थे चलो कोई ना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया मतलब आज बताया था, झूठ नहीं बोलेंगे, आज बताया था, बोले अंदर आइए, तो आज हमने देखा है
बोले जब बिल्कुल ही सीरियस हो गई। आज हमने देखा है कि मान चलो हाँ सीरियस है, बस अब बोल रहे हैं कि मतलब बताया नहीं आपको, तो आज बताया ना आपने कि सीरियस है। हम डेली पूछ रहे हाथ जोड़ के कि सर बताइए कुछ क्या है सर, हैं क्या, अब क्या लगता है। मैं हम ये नहीं कह रहे कि मारा उनने, ठीक है, लेकिन मैडम पैसे मांगने कोई तरीका होता है? ये मैडम इतनी इतनी बुरी चिल्ला के गाली दे के बताइए कोई तरीका, मारने को दौड़ रही है, ये कोई तरीका नहीं। हम मतलब लड़की ख़त्म है, हम गंभीर में हैं, हैं तुम पैसे के लिए मांग रही हो, ऊपर से गाली गलौज कर रही हो, ये कोई तरीका है आपका? डॉक्टर कह रहे हैं हमने जिस दिन भर्ती किया था उस दिन मतलब हमने कहा था, लेकिन हमने कहा मैं तो था नहीं, आपने किससे कहा था, हैं तो बोले आपके बच्चे थे उन्होंने साइन किया है। तो मैं कहा हाँ वो बात ठीक है, आपने साइन किया, मैं था नहीं, मैं यहाँ न बैठ रहे थे, आपसे बात बताऊँ, इतनी बात है जी।